प्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुल स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल शाहीन बाग मामले में दायर एक याचिका में इस प्रदर्शन को अनुचित ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकालीन कब्जा स्वीकार नहीं है, विरोध प्रदर्शन एक निर्धारित स्थान पर ही होना चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में कल रिया चक्रवर्ती को जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि उसके भाई शोभे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रिया को 1,00,000 रुपए के मुचकले पर छोड़ा गया। इस मामले में दीपक सावंत व सैमुन मिरांडा को भी जमानत मिल गई है। जीनोम एडिटिंग खोजन पर 2 महिलाओं को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये हैं फ्रांस की प्रोफेसर इमैनुअल शार्पेटियर व अमेरिका वैज्ञानिक जेनिफर डोयना। ईपीएफ के किसी भी धारक की मौत पर अब मुआवजा न्यूनतम 2.5 लाख कर दिया गया है। ये रकम उसी दशा में मिलेगी जहां अंशदान मौत से पहले 12 माह तक लगातार जमा होता रहा हो, अन्यथा पुराने फॉर्मूले से ही भुगतान मिलेगा। लखनऊ में कल एक बड़े हवाला रैकेट का खुलासा हुआ है। डीआरआई की टीम ने खुर्रम नगर में 1 करोड़ रुपए और लाखों की विदेशी मुद्रा के साथ एक ट्रेवल एजेंट को गिरफ्तार किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रैकेट और विदेशी हाथ होने की भी संभावना है। हाथरस कांड की प्रारंभिक जांच में इस प्रकरण को लेकर प्रदेश में जातीय दंगे फैलाने की योजना व इस कार्य हेतु विदेशों से फंडिंग की बातें सामने आई हैं। उधर हाथरस व अलीगढ़ में 2 IPS तैनात कर दिए गए हैं। अगली खबर, भारत और जापान के बीच कई अहम क्षेत्रों में सहयोग के लिए करार किए गए हैं। इसमें 5G प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य हैं। यूएन में चीन द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की 40 देशों ने आलोचना की और हांगकांग में मानव अधिकार उल्लंघन पर भी चिंता जताई है। अगली खबर अर्थ जगत से, सरकार ने बिना नियमन वाले क्षेत्र से निकलने वाली गैस की बिक्री को खुली छूट दे दी है। इससे निजी क्षेत्र की रिलायंस आदि कंपनियों को फायदा होगा। अगली खबर खेल जगत से, कल IPL क्रिकेट में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। मैच में केकेआर के राहुल त्रिपाठी ने 51 गेंदों पर 81 रन बनाए। CSK की ओर से वॉटसन ने अर्धशतक बनाया। कल देश में कोरोना के 78,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिससे देश में कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 68,32,900 के पार पहुंच गया है। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।